छात्रों देखो, हमें अगर जीत हासिल करनी है तो हमें हमारे अंदर साहस का होना बहुत जरूरी है। अगर साहस हो तो हम किसी भी तरह की संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए देखो, यहाँ हमें क्या करना है, आज साहसी दीदी इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे कि एक साहसी लड़की जिसने क्या किया, उसके ऊपर जो संकट आया था उसके ऊपर उसने किस तरह से मात किया, उस संकट का सामना किस तरह से किया, इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। पाठ का नाम है साहसी लिली। देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है और किस तरह से उसने अपने अपने आप को बचाया, वो इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे। लिली अपने पिता की मोटर बोट पर सवार होकर सेंटा फे जा रही थी। अचानक खूंखार डाकू जॉन उसके सामने पिस्तौल ताने आ खड़ा हुआ। देखिए, ये जो लिली है, लिली नाम की लड़की है, वो अपने पिता के पास, अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी। सेंटा द्वीप, ये एक द्वीप का नाम है सेंटा। और वो अपने अपने पिता के पास जब जा रही थी तब उनके मोटर बोट में एक खूंखार डाकू, एक खतरनाक डाकू उनके मोटर बोट में आ घुसा था। तब क्या हुआ, इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे। वह हाथ में पिस्तौल लिए मोटर बोट में घुसा और उन दोनों को खूनी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। देखिए क्या हुआ, जब यह डाकू उनके मोटर बोट में घुस आया तब उनको खूनी निगाहों से देखने लगा। लिली और उसका जो ड्राइवर था, लिली का ड्राइवर था, उन दोनों को खूनी निगाहों से देखने लगा, क्रोध भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। डाकू कैसे होते पता है ना आपको, कैसे क्रोध भरे नजरे होते हैं उनकी, और ऐसे में वो उनको खुली नजरों से देख रहा था और आगे बढ़ने लगा। लिली अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी, जो बंदरगाह से 38 मील दूर गहरे समुद्र में था। वह अपने डैडी की मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। देखो, जब ये दोनों जा रहे थे, दो ही थे उस मोटर बोट में, एक लिली और दूसरा उसका ड्राइवर रॉबर्ट, जो उस मोटर बोट को चला रहा था। तो देखिए, अचानक से ही जब आया उनके मोटर बोट में तब बहुत ही हंगामा हो गया था। अब देखिए, लिली अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी। सेंटा द्वीप, द्वीप का मतलब है पानी से चारों ओर से घिरी जमीन। देखो, बीच में जमीन होती है और उसके चारों तरफ से पानी ही पानी होता है। ऐसे पानी से चारों तरफ से घिरी जमीन को ही द्वीप कहा जाता है। जैसे कि भारत के नजदीक ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ऐसे द्वीप है आपको तो पता है। तो यहाँ पर भी एक सेंटा द्वीप जिसका नाम है सेंटा, तो यह द्वीप, उस द्वीप पर वो जा रही थी, अपने डैडी के पास द्वीप पर जा रही थी, जो बंदरगाह से 38 मील दूर है। कितनी मील दूर है, 38 मील दूर गहरे समुद्र में है। वह अपने डैडी की मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। देखो अभी आगे, लिली देखते ही उसे पहचान गई, वह यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था। उसके फोटो समाचार पत्रों में छप चुके थे। उसे पकड़वाने के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा भी की जा चुकी थी। देखिए, इस जॉन को पकड़ने के लिए एक बड़े बड़े इनाम की घोषणा भी सरकार द्वारा की गई थी। और इस बात का पता लिली को था, क्योंकि उसने पढ़ा था समाचार पत्रों में उस जॉन डाकू जॉन के, उसने तस्वीर देखे थे, उसकी जो खबर थी समाचार पत्रों में वो उसने पढ़ी थी। देखिए आगे, तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो, फिर डाकू जॉन ने रॉबर्ट से कहा। तुम दोनों हाथ ऊपर उठाकर इधर आ जाओ। देखो, उनको धमका रहा है, दोनों को धमका रहा है डाकू जॉन कि तुम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इधर आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। अब देखो, उसके पास पिस्तौल होने के कारण वो क्या कर रहा है, उन दोनों को धाक दिखा रहा है, धमका रहा है और अपने पास बुला रहा है। और तभी तभी रॉबर्ट ने क्या कहा वो देखिए। और स्टेयरिंग का मतलब देखिए, यहाँ पर स्टेयरिंग यानी वाहन का हैंडल। यहाँ पर देखो, बंदरगाह,
पहले एक शब्द आया था बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब है पानी के जहाजों के ठहरने का स्थान, जहां पर जहाज आकर रुकते हैं उसे उसे ही क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। तो यह सेंटा द्वीप जो है वो बंदरगाह से कितनी मील दूर है, 38 मील दूर है, 38 मील दूर है। तो यहाँ पर देखिए, और जब डाकू जॉन ने रॉबर्ट को कहा कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इधर आओ, तब रॉबर्ट ने क्या कहा वो देखिए। और स्टेरिंग, रॉबर्ट ने भयभीत स्वर में कहा पूछा, रॉबर्ट ने भयभीत स्वर में पूछा, घबरा गया था वो, इसलिए वो भयभीत स्वर में पूछ रहा है कि। और स्टेरिंग जॉन ने जवाब दिया, उसे मैं देख लूंगा, उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए तुम्हें नहीं। देखो क्या कर रहा है, उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए तुम्हें नहीं। तो देखिए, उसने एक पतली सी रेशम की डोरी से रॉबर्ट के हाथ पर बांध कर उसे फर्श पर लिटा दिया। फिर लिली से बोला, वो लड़की तुम चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो, चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। देखिए यहाँ पर जो डाकू जॉन है, उसने रेशम की डोरी से, पतली सी रेशम की डोरी से उस रॉबर्ट के हाथ पर बांध कर उसे फर्श पर लिटा दिया। और देखिए क्या किया, और उस लिली को बोला कि ओ लड़की तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, चालाकी दिखाई तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। देखो जॉन स्टेयरिंग पर जा बैठा, जॉन स्टेयरिंग पर जा बैठा। जब उसने बताया कि उसे याका द्वीप जाना है, तो रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए, दोनों के होश उड़ गए, दोनों भी क्या, देखो दोनों भी घबरा गए, दोनों भी घबरा गए, उनके होश उड़ गए। होश उड़ जाना यानी बहुत घबरा जाना। तो यह बात सुनकर कि या जो डाकू जॉन है वो किधर जाने वाला है, याका द्वीप जाने वाला है, यह बात सुनकर दोनों रॉबर्ट और लिली यह दोनों भी घबरा गए, उनके होश उड़ गए। याका द्वीप वहां से करीब 775 मील दूर था। वह खतरनाक द्वीप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थी। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थी। बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। चारों तरफ से घिरा होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। देखिए वो याका द्वीप क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वह डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था, और वहां जाना पुलिसों के लिए आसान नहीं था। वहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, बड़े बड़े चट्टान थे, ऐसे नुकीली चट्टाने थी, मतलब एकदम तेज, बहुत तेज ऐसी नुकीली चट्टानें थी। वहां जहाज भी बचकर निकलते थे, अगर उस चट्टानों को अगर धक्का लगा तो वो टूट जाएंगे, इसलिए वो उससे सावधानी से वहां से जाते थे, सावधानी से वहां से निकलते थे। इसलिए देखिए इस याका द्वीप पर जाना बहुत ही मुश्किल था, और इसी कारण याका द्वीप जाने के लिए वो तैयार था। डाकू जॉन याका द्वीप जाने के लिए तैयार था। और जब इस बात का पता उन दोनों को चला, तभी तभी उनके होश उड़ गए, तभी लिली और रॉबर्ट के होश उड़ गए। अब बात लिली की समझ में आ चुकी थी, पुलिस इसका पीछा कर रही होगी, और यह उसे धोखा देकर किसी तरह उसकी मोटर बोट में आ छिपा होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए याका द्वीप जाएगा, कुछ दिन बाद आकर फिर लोगों का जीना हराम कर देगा। देखो पूरी तरह से अभी यह समझ गई है कि यह यूरोप देश का जो डाकू है जॉन, वह क्या हुआ है, पुलिस से भागकर निकल रहा है, पुलिस से भाग रहा है, और अपनी मोटर बोट से वो किधर जाने वाला है, याका द्वीप जाने वाला है। याका द्वीप जाएगा, वहां कुछ देर ठहरेगा, और बाद में आकर फिर लोगों का जीना हराम कर देगा। लोगों का जीना हराम कर देना यानी उनको बहुत परेशान करना, जीना हराम कर देना यानी बहुत परेशान करना। तो क्या करेगा ये, फिर से लोगों को परेशान करेगा, कुछ देर वहां पर रुकेगा और बाद में आकर फिर से लोगों को परेशान करेगा। लिली के सामने कई प्रश्न उठ खड़े हुए थे।
उसका क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा? उसने सोचा, उसे हर तरह से मौत का ही सामना करना है। देखो, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। वो हर तरह से सोच रही थी कि कैसे बचा जाए इससे, पर अब तो इसको मौत का ही सामना करना था। देखो, उसके पास पिस्तौल थी, डाकू जॉन के पास पिस्तौल थी, और इनके पास ये खाली हाथ थे, इनके पास कुछ नहीं था, और बाहर भाग भी नहीं सकते थे। बाहर क्या था? समुद्र, समुद्र का पानी ही पानी था, और गहरे समुद्र के बीच में ये फंसे हुए थे उस डाकू जॉन के पास साथ। तो देखिए, यहाँ पर अभी उसे हर तरह से मौत का ही सामना करना पड़ रहा था। इस बात का उसे पता चला। सिर पर मंडराती मौत देखकर बिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटानी आरंभ कर दी। उसने सोचा, हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा कर लिया जाए, मगर कैसे? देखिए, वो सोच रही थी कि एक पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसके पास है, और उससे ही वो हम पर धाक जमा रहा है, हमारे ऊपर हमें धमका रहा है। ऐसे वो सोच रही थी, पर बाद में देखिए क्या हुआ। उसने सोचा कि यह पिस्तौल अगर हमने हासिल की, हमारे कब्जे में आ गई, तो हम क्या करेंगे? हम उसका कुछ तो कर सकेंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ। सिर पर मंडराती मौत देखकर बिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। मस्तिष्क का मतलब क्या है? दिमाग। मस्तिष्क यानी दिमाग। तो दिमाग उसका तेजी से चलने लगा। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब हम क्या करते हैं? उस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पर उसका मस्तिष्क जो है तेजी से काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटानी आरंभ कर दी। उसने सोचा, हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा कर लिया जाए, मगर कैसे? देखिए, उसकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो कितनी अच्छी है। देखिए, वो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता उसमें है। इसीलिए वो सोच रही है कि एक पिस्तौल ही उसके पास ऐसा हथियार है जो अगर हासिल कर लिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। पिस्तौल तो वह अपने टांगों पर रखे बैठा है। देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि पिस्तौल उसने किधर रखी है? अपने टांगों पर रखी है, और वो स्टेयरिंग चला रहा है, वो मोटरबोट चला रहा है, स्टेयरिंग उसके हाथ में है। तो पिस्तौल तो वह अपनी टांगों पर रखे बैठा है, उसे पहले बातों में लगाया जाए। इंसान कभी ना कभी तो लापरवाह हो ही जाता है। बिली ने गला साफ करके डरते डरते डाकू जॉन से सवाल किया, डाका द्वीप तो 775 मील दूर है, हम बगैर ईंधन के वहाँ कैसे पहुँचेंगे? देखिए, यहाँ पर जब उसने देखा कि पिस्तौल उसने अपने टांगों पर रखी है, तो उसे उसे हासिल करने के लिए उसने क्या किया वो देखिए। उसने उसे बातों में फंसाना चाहा, और ऐसे ही उसने प्रश्न पूछा कि जाकर भी तो यहाँ से 775 मील दूर है। देखिए कितने मील दूर है? 775 मील दूर है, और हमारे पास उतना ईंधन भी नहीं है। ईंधन किस लिए होता है? मोटर बोट चलाने के लिए। जैसे कि गाड़ियाँ किस पर चलती हैं? पेट्रोल डीजल पर चलती है ना, तो वैसा ही उसी को ही ईंधन कहते हैं। तो मोटर बोट चलाने के लिए जो ईंधन हमारे पास होना चाहिए, उतना ईंधन हमारे पास नहीं है, और हमें बहुत दूर जाना है, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ऐसा सवाल उसने डाकू जॉन से पूछा। देखिए, तब डाकू जॉन ने क्या कहा? ए लड़की, बहुत गर्जा, बहुत जोर से बोला, ए लड़की चुप रहे, हम पहुंचेंगे या नहीं यह मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं सोचना है उसके बारे में, यह मुझे सोचना है कि हम पहुंचेंगे या नहीं। तभी फिर से लिली ने क्या कहा वो देखिए। हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहमदिल भी हैं। रहमदिल भी है यानी दयालु। रहमदिल का मतलब क्या है? दयालु। तो हमने तो सोचा था कि आप बहादुर होने के साथ साथ रहमदिल भी हैं, इसीलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। देखिए, उसने इतनी तारीफ करना शुरू की कि वो फंस जाए, पर
देखो उसके बाद तो मैं आने वाला नहीं था, इतने सहज गति से नहीं आने वाला था। देखिए हीरो समझकर पूछते हैं, मिली तारीफ करके उसे बातों में फंसाना चाहती थी, और ऐसे बातें करते करते वो उसे फंसाना चाहती थी। उसे समझ वो सिर्फ उसका पिस्तौल हासिल करना चाहती थी। अगर पिस्तौल हाथ में आई तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार थी। तो देखिए हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहमदिल भी हैं, इसीलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। मिली तारीफ करके उसे बातों में लगाना चाहती थी, तारीफ यानी प्रशंसा स्तुति। तभी मिली को रेडियो रूम का ख्याल आया जो उसके निकट ही था। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ सरकना शुरू कर दिया। देखिए वो उसकी तारीफ करते करते सोच रही थी हमें क्या करना होगा और इसके चंगुल से हम कैसे छूटे। इसलिए उसे ऐसे सोच रही थी कि उसको ख्याल आया कि यहाँ पर हमारे मोटर बोट में ऐसा भी एक रेडियो रूम है जिससे हमारा संदेश दूसरे जगह पर पहुंच सकता है। तभी उसने क्या किया, उस रेडियो रूम के तरफ सरकना शुरू कर दिया। और देखिए आगे क्या हुआ, लिली सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि जॉन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, पर जॉन लिली की चतुराई को न समझ सका। देखिए लिली के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ। वो उसकी तरफ से देख रहा था पर वो कुछ बोला नहीं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कर रही है, ये क्यों सरक रही है ऊपर। तभी उसे उसने कहा, डाकू जॉन ने कहा, लड़की अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। उसने कहा कि अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो तुम अभी लेट जाओ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, उसे तो यही चाहिए था। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ क्या है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल रहा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो हाथ पसार कर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था, रेडियो के बटन पर, स्विच पर उसका हाथ था। उसने आहिस्ता से उसे ऑन कर दिया, और जब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है तो उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाए और जॉन को कोई संदेह भी न हो। देखो आहिस्ता का मतलब है धीरे धीरे, आहिस्ता का मतलब क्या है, धीरे धीरे। तो उसने ऐसे आहिस्ता से उसे ऑन कर दिया, किसको, स्विच को, रेडियो के स्विच को, बटन को ऑन कर दिया, शुरू कर दिया। और जब उसे लगा कि अब उसका संदेश, संदेश यानी समाचार, संदेश का मतलब क्या है, समाचार, अब उसका समाचार, संदेश दूसरे जगह तक पहुंच सकता है, ऐसे उसको लगा। तब उसने क्या किया, देखिए जब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है तो उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाए और जॉन को कोई संदेह भी न हो। संदेह का मतलब है शक, संदेह यानी शक। तो इस तरह बोलना शुरू किया कि जॉन जॉन को कुछ पता भी न चले, और उधर जिधर जिधर उसका आवाज पहुंच रहा है उधर उस लोगों को समझ में आ जाए कि इधर क्या चल रहा है, यहाँ की स्थिति क्या है, इसके बारे में संदेश वो दूसरी जगह तक पहुंचा रही है। देखो किस तरह से उसकी चतुराई है, किस तरह से वो इतनी कठिन समस्या में भी निर्णय अच्छी तरह से ले रही है, इसीलिए वो संकट का सामना किस तरह से कर रही है इतना हमने देखा। अब देखो इसके आगे का जो भाग है, जो आगे का पाठ है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, पर जितना भी हमने आज देखा है कहाँ तक आए हैं हम, कि उसने अपना संदेश दूसरी जगह तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। वो ऐसी बातें करने लगी हैं कि डाकू जॉन को कुछ न समझे और सामने जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को सब समझ में आए, ऐसी बातें वो कर रही हैं। तो यहाँ तक ही हम आज देखेंगे, इसके आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।